वाराणसी यूथ कांग्रेस ने वाराणसी सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जगह जगह लोगों को झुनझुना और लॉलीपॉप देकर जन्मदिन मनाया और कहा कि पीएम मोदी के मैनिफेस्टो में रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक क्या हुआ? युवाओं को रोजगार मिलना तो दूर, उनसे रोजगार छीन लिया गया। आज शाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंट क्षेत्र में लोगों से घूम घूम कर पूछा कि क्या उन्हें रोजगार मिल चुका है। इस पर लोगों ने ना में जवाब दिया। ऐसे लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लॉलीपॉप और झुनझुना पकड़ा कर पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गिफ्ट के तौर पर दिया। सुनाथ कुमार नाम है, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। आज किस विरोध कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, ये वही भाजपा सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। और आज ये देश के युवा से आप पूछ करके देखिए कि क्या उनको रोजगार मिला। 2 करोड़ रोजगार देने की बात छोड़िए, लगातार मोदी जी ने युवाओं से रोजगार छीनने का कार्य किया है, रोजगार छीनकर युवाओं को छलने का काम किया है। और आज अपने जन्मदिन को जश्न दिवस के रूप में किस प्रकार मना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम लोग समाज में घूम रहे हैं, सभी लोगों को ये झुनझुना बजाकर लॉलीपॉप खिला करके ये जब पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में आपको रोजगार मिला, तो हर व्यक्ति के जबान पे यही बात है कि नहीं, मोदी जी ने अपने जुमले से, अपने झूठ से युवाओं को झुनझुना बजाने पे मजबूर किया है, पकौड़े तलने पे मजबूर किया है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई उससे ज़्यादा दुगनी तिगुनी दर से बढ़ गई है। ये एक तरह से सरकार पे बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये युवा जिसको ये वादा करके छल कर सरकार में आए हैं, यही युवा इनको अगली सरकार में बनाने में जवाब देगा और इनकी सरकार को बदल कर ये दिखाएगा कि हमारी ताकत क्या होती है और हमसे झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। वाराणसी से माई भारत के लिए काशनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।